सबसे पहले मैं अपने बॉय गंगा को बोलती हूँ जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लो और वहीं से मेरा खाना आएगा। तो आप खाना बनाती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ खाती हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। जब भी मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो आई प्रिफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वर्कआउट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, आई हैव टू डू इट बिकॉज आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे। तो मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी मिस कर देती थी एंड जस्ट रिलैक्स, यू नो, लेज अराउंड। शलगम, सवाल भी नहीं पूछ रही तने बोला। शलगम मैं नहीं करूंगी, करूं पप्पी। Fintola Peanut Butter presents Shape of You, Fit is Fab, powered by Sofit on Filmy Mirchi. Hello, namaste, adab, and welcome to Fintola Peanut Butter presents Shape of You, powered by Sofit. ये वो शो है जहाँ पर we discuss the entire shape of you, not just the shape of your body. और आज मेरे साथ है one of the most body positive women in the industry. Please welcome actor, entrepreneur, and my friend Sonakshi Sinha. Thank you. Yay! Welcome to the show. I'm so happy to be here. I know. But मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि आपके सामने तो मतलब फिटनेस के बारे में किसी को बात करना ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी वहाँ पर, मैं क्या बोलूँगी। नहीं नहीं, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जब मैं लोगों से मिलती हूँ जिनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है। आपने भी शायद स्ट्रगल की होगी अपनी जिंदगी में। हाँ, किया है, आज तक कर रही हूँ। अभी तो आप बहुत फिट लग रही हैं। एक्चुअली पिछले 2-3 सालों में जब लॉकडाउन आया तो आई पुट ऑन वेट, देन आई हैड टू लूज वेट फिल्म के लिए, देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड डबल एक्सएल जहाँ पे मुझे एक ओवरवेट लड़की का किरदार निभाना था, तो आई पुट ऑन सम 12-13 किलोस फॉर दैट, देन नाउ आई एम अगेन लूजिंग इट। तो मेरा जो एक रोलर कोस्टर बन चुका है ना ये मेरी फिटनेस जर्नी के साथ, इट्स क्वाइट एक्साइटिंग if I must say so myself. लेकिन बहुत मुश्किल होगा to put on weight and then जब आप already आपको पता है कि losing weight is very difficult for you. कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है. Putting on weight तो मतलब ऐसे खाना सूंघ के I'm put on weight. But जो पापड़ बेलने पड़ते हैं to lose it then oof 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 oof. तो मैंने सुना है कि आप trained fashion designer हैं. जी. और आपका बिल्कुल इरादा नहीं था कि आप एक्टर बनेंगी, तो ये कैसे हुआ, ये सडनली क्या हो गया आपकी जिंदगी? एक्चुअली सडनली हुआ सब कुछ। मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान नहीं किया था। मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी, मैंने सोचा क्योंकि मैं स्केच अच्छा करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी वेयर दिस टेक्स मी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज डूइंग वेरी वेल इन कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड ऑल मैं बन रही थी। तो एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट क्योंकि मैं 18 साल की थी और मैंने तभी न्यू जिम ज्वाइन किया था क्योंकि यू नो दैट वाज द फैड एंड द ट्रेंड और सब जाने लग गए। तो आई वेंट टू द जिम और ट्रेडमिल पे मैं 30 सेकंड से ज्यादा भाग नहीं पाई, एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि यू नो दिस इज नॉट कूल, आई एम टू यंग टू बी फीलिंग लाइक दिस। और तब से मेरी आई थिंक वेट लॉस जर्नी शुरू हुई। इट टुक मी 2.5 years, आई लॉस 30 किलोज, एंड एज सून एज आई लॉस द वेट आई वाज ऑफर्ड द बग। फैंटास्टिक। चलो सोनाक्षी हमें ये बताइए, हाउ डू यू गेट अ क्लीन स्टार्ट टू योर डे? आई एक्चुअली वेक अप और पहली चीज जो है वो मैं करती हूँ इज हैव अ लीटर ऑफ वाटर। अ लीटर ऑफ वाटर बिकॉज़ इन द मॉर्निंग ओनली, इन द मॉर्निंग ओनली बिकॉज़ आई वांट टू गेट इट आउट ऑफ माय डे, क्योंकि दिन भर यू आर बिजी, कभी भूल जाते हो आप, टाइम मिलता नहीं मिलता, तो आई जस्ट लाइक टू फिनिश दैट 1 liter ऑफ इन द डे और फिर दिन में एज अ कॉन्शियस एफर्ट टू कीप सिपिंग ऑन वाटर। सो दैट्स माय क्लीन स्टार्ट एटलीस्ट। कीप्स एवरीथिंग क्लीन। या फ्लशेस आउट ऑल योर इंटेस्टाइन्स एंड योर गट। या तो सोनाक्षी हमें ये बताइए कि मंडे से लेकर सैटरडे तक सोनाक्षी सिन्हा कौन से वर्कआउट्स करती हैं? मेरा वर्कआउट रूटीन बदलते रहता है। आई थिंक मैंने जब शुरुआत की थी तो आई स्टार्टेड विद वेट ट्रेनिंग, देन आई मूव टू योगा, देन आई मूव टू पिलाटेज। तो अभी माय वर्कआउट रूटीन इज अ मिक्स ऑफ पिलाटेज, कार्डियो, पिलाटेज एंड कार्डियो। यस, कमाल। सोनाक्षी मैं यही सोच रही थी कि आप अभी बता रही थी कि आप ग्रोसली ओवरवेट थी, तो 95 kgs से 60 kgs तक का ये जो सफर रहा है, ऐसा कोई पल था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ यार ये मेरा फिट इज फैब वाला मोमेंट है? प्रोसेस के दौरान एक्चुअली, क्योंकि आई हैड नेवर सीन द अदर साइड ऑफ द वेइंग स्केल सो टू पुट इट। तो जब भी मैं 5 kilo लूज करती थी तो दैट यूज टू बी माई वाओ आई एम फीलिंग सो फिट एंड फैब मोमेंट। फिर 10 kilo कम हो गए, फिर मैंने बोला चलो 10 और करते हैं, आई केम डाउन टू 20 kilos, सो दैट वाज माय फिट एंड फैब मोमेंट। व्हेन आई रीच 60 kilos, दैट वाज माय फिट एंड फैब मोमेंट। रिसेंटली जब मैंने पिलाटेस शुरू किया तो आई हैड बिकम वेरी टोन्ड एंड माय एंटायर स्ट्रक्चर हैड चेंज्ड, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट था मेरे लिए एंड दैट सूटेड माय बॉडी, सो दैट वाज माय फिट एंड फैब मोमेंट। तो इट कीप्स हैपनिंग। या इट कीप्स हैपनिंग। बट ऐसा कोई क्षण होगा ना आपकी जिंदगी में आपको लगा होगा कि इसे करते वक्त मुझे मतलब कमाल फील हो रहा, इसको मैं कंटिन्यू करूं? पिलाटेस।
पिलाटिस? या क्योंकि एक तो इट्स वेरी इजी ऑन योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ नॉट हार्मफुल फॉर योर जॉइंट्स, नॉट हाई इम्पैक्ट, तो मुझे वो करते हुए बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है. इट्स लाइक योगा बट ऑन अ पिलाटेस रिफॉर्मर. तो आई रियली एंजॉय दैट. इट्स एक्चुअली टू रिफॉर्म योर बॉडी. या या सो इट्स वन वे टू काइंड ऑफ इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड to dancers who used to go through a lot of injuries. Soldiers actually. Yeah. Who used to get injured in war. And for their body rehabilitation, the Pilates reformer was invented. Kamal, na? Yeah, can you imagine? Yeah. Or people say that boys don't do Pilates and all. Actually, it was made for men. Yeah. So Sonakshi, now it's time for a pop quiz section that we're going to do. Hum celebrities puri duniya ghumte hain and we get a lot of exposure to different foods and restaurants. क्या हम सब कुछ प्रोनाउंस कर पाते हैं? मैं तो नहीं कर पाती. तो हम ये आज टेस्ट करेंगे आपके साथ. मैं एक वर्ड दूंगी आपको और आपको बस इसे प्रोनाउंस करना है. सो दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन टेस्ट. ओके, ठीक है, आई ट्राई. देख लीजिए, ये है आपका वर्ड बुलांजरी. नॉट बैड ना, इट्स फ्रेंच. या बुलांजरी. It sounds quite French में कुछ seductive. आड़ा तेड़ा ऐसे pronounce करो, it'll sound right. Yeah, nice. Okay, now I want to actually talk to you about the shape of your mind. हमने बहुत body के बारे में बात कर ली, but I really believe that a lot of us went through a lot of different emotions during the pandemic. मैंने आपको भी देखा, आप तो Twitter से ही निकल गई pandemic के बीच में. तो बहुत सारे celebrities को troll भी किया जाता है. How much of that affected you, Sonakshi? I think I realized very early on in the pandemic कि बहुत ज़्यादा uncertainty है. हमें पता नहीं हम कब, you know, we'd be able to resume to normal life. तो मुझे तभी पता चल गया था कि अभी you have to make sure कि आपका मानसिक संतुलन तो बना रहे. बहुत negativity थी, whether it was the news, whether it was online, सब लोग अपना frustration निकाल रहे थे online, celebrities were facing the brunt of it. मैंने decide कर लिया था कि खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. तो कोई भी चीज़ जो मुझे, you know, negatively affect कर रही थी, मैंने उसको equation से निकाल दिया. I went off my diet for a while, क्योंकि food makes me happy and मुझे जो खाना था मैं खाती थी, because I knew eventually when I got back to work, मैं वो रूटीन में वापस आ जाऊँगी, जो कि फ़िलहाल उस टाइम पर फॉलो नहीं कर सकते थे, जितना भी कोशिश कर ले. तो वर्कआउट I'm not a fan of it. I have to do it because I have to look a certain way. तो मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी miss कर देती थी and just relax, you know, laze around basically. तो anything that made me happy, that's what I did. She also went through a social detox? Mostly, yes. Lockdown में और मेरी निजी जिंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं है because I'm a homebody. I prefer to be at home more than going out. Gemini quality है ना? तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि सारी पार्टियां बंद होगी, कोई इनवाइट नहीं करना मुझे. पार्टियां बंद होगी सानू की, अच्छी बात है. वैसे मेरे को तो अच्छा लग रहा था कि मैं आई डोंट हैव टू डू ऑल दी सोशल ऑब्लिगेशंस इन अ वे. अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं करती? मुझे हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज ज्यादा पसंद नहीं. तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड मी डूइंग लाइक वेरी हैवी वेट्स और क्रॉसफिट और यू नो फंक्शनल में भी मैं गिन चुन के अपने एक्सरसाइजेस. आपको इजी वाला वर्कआउट अच्छा लगता है? इजी वाला बट इम्पैक्ट हाई वाला, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लाइक पिलाटेस आल्सो, सबको लगता है इजी होगा बट इट रियली गोज इनटू द डीपेस्ट मसल्स ऑफ योर बॉडी. सो जो हाई इम्पैक्ट, इट्स ग्रेट फॉर टोनिंग, लो इम्पैक्ट बट हाई इफेक्ट वर्कआउट्स है, मुझे वो पसंद है. Wow. And I love playing sports. Sports? Yeah. That's the best way. I've grown up actually playing sports and you know, tabhi itna maza aata tha. Like I used to play tennis, football, swimming, basketball, everything. Abhi utna time milta nahi hai. I don't have a group of friends who, you know, also indulge in the same activities. So main kar nahi paati. But that is something, agar mera sort ho jaye na, to I'll only do that. I really wish, you know, parents encourage even kids also to go out there and play. Yeah. Okay, so before we move on to the active area, I'm going to give you some scenarios aur aapko react karna hai with so easy or not so easy. आपके लिए तो बहुत ही इजी होगा. सो इजी, सो इजी. इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको इस पीनट बटर जार पे हाथ रख के कसम खानी होगी के सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगी. And so on and so forth. मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. ये देखो, मैं वह भर भर के दूंगी मैं आपको किलो के हिसाब से पिंटोला पीनट बटर. सो द सिनेरियो इज 3 months of hardcore dieting for a huge film.
So easy or not so easy? 3 months, yeah. Not so easy. No Indian food while traveling for 1 month. Not so easy. ना? मैं जब भी आउटडोर शूट पे जाती हूँ, नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले मैं अपने बॉय गंगा को बोलती हूँ जाके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लो और वहीं से मेरा खाना आएगा। ओके, मॉर्निंग वर्कआउट्स एट 4 AM विथ योर सेलिब्रिटी क्रश और एनी क्रश, सो इजी। अच्छा, या आपने इंसेंटिव दे दिया ना। अच्छा। अगर क्रश साथ में है तो सो इजी, नहीं होता तो नॉट सो इजी। इफ आई डोंट स्लीप एट नाइट देन आई विल वर्क आउट एट 4। ये अच्छा है। Being able to eat whatever you want, but only if you cook it. So easy. Yeah? मैं उसी reason के लिए खाना बनाना सीख लूंगी। तो आप खाना बनाती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ खाती हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। बट अगर ये होता कि मैं कुछ भी खा सकती, अगर मैं बनाऊँ तो आई वुड टोटली लर्न कुकिंग। या ये एक अलग इंसेंटिव हुआ फिर। Yeah. Not being able to use a lift wherever you go. So easy. Yeah. Unless it's like a skyscraper. 20th फ्लोर पे जाना है आप। Not so easy. Taking public transportation instead of a chauffeur-driven car. So easy. I don't mind the taking public transport. In fact, जब भी मैं travel भी करती हूँ तो I prefer public transport. Really? So, yeah. All right, बहुत बैठे-बैठे बातचीत कर ली, अब थोड़ा सा चलते हैं, because you know we're on a show that's called The Shape of You. Of course. So चलते हैं हमारे Fitness Fab Studio की ओर, where we're going to do some moving around. Little party. Easy ones, give me up, please. Easy? Haan. Come. Sona, mera sona. I don't know. Sorry. Yeah. Okay. So, ye hai hamara filmy mirchi wheel of challenges. Mere paas bhi ek hai. Okay. Jise main ab spin karungi. And ye jahan pe bhi land hoga na, wo challenge aapko karni padegi. Oh. Are you ready? I think so. To chaliye, spin kariye. Kar lu. Jai. Ready. लवली, चलिए मैं पढ़ूं? आप ही पढ़िए। शिल्पा आपको कुछ डाइट रिलेटेड शब्द बोलेगी और आपको वो शब्द को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। हर गलत आंसर पर बर्पी मारनी पड़ेगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी बर्पी मारने। चलो लेट्स प्ले। आपने कहा था ना कि आपको हैवी ड्यूटी वर्कआउट अच्छे नहीं लगते, तो हमने सोचा क्यों ना हम ट्राई करके देख ले। कितने अच्छे नहीं लगते आप। कम यह सुना। पहला वाला ये है, फ्रूट प्लम को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? समथिंग श्योर। एम आई क्लोज? नो। ओके, बर्फी मार ही लेती हूँ मैं। आलू बुखारा इज प्लम। क्या? ओके, आई हैड नो आइडिया। चलिए, बट आई एम अ वेरी ओहो ओहो वाह वन ओनली वन बप्पी ओनली वन चलो उससे ज्यादा मैं करूंगी भी नहीं। स्क्वाट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्वाट्स जवाब देखा तो नहीं? नहीं। हाँ, स्क्वाट्स को हिंदी में मेरा ट्रेनर तो स्क्वाट्स ही कहता है। वन मोर बप्पी क्या कहते हैं बता तो तू। उठक बैठक। Hey, this is cheating. I thought it was a technical term. No. Uthak baithak. Uthak baithak. Sorry. This cannot be explained. Uthak baithak. ये होता है। हाँ, but it's squat. Squat. ये होता है। उठक बैठक। वही होता है। वही होता ना? Guys. अच्छा जी, तो ऐसा game खेलेंगे आप मेरे साथ? चलो सिर्फ एक ही। चलो आज का cardio और training हो गया। Hing को English में क्या कहते हैं? Hing को। ये तो पता होगा आपको। हाँ, मुझे पता है। बट अभी क्यों नहीं आ रहा? आई नो दिस, आई एक्चुअली नो दिस। समय समाप्त। आई डोंट नो हिंग। समय समाप्ति की घड़ी। ये मेरा जीके क्विज हो रहा है यहाँ पर, बट बता दो आप। एसिफेटिडा। एसिफेटिडा, यस आई न्यू दैट, आई एक्चुअली न्यू दैट। या कम ऑन सोना, कम ऑन, यू कैन डू इट सोना। स्टार फ्रूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्टार फ्रूट। चलो छोड़ो, कमरख मैं कर लेती हूँ। चलिए कमरख। चलिए कमरख। लो हो गया अभी। चलो नाउ आई थिंक आप अपने गेस को इस अगले क्वेश्चन को मैं पूछना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर एक और करना पड़ेगा मुझे। हाँ, exactly, मैं से चार करवा चुके हो आप, ऐसे ट्रीट करते हो अपने गेस को। टर्निप शलगम। सवाल भी नहीं पूछ रहे थे। टर्निप शलगम मैं नहीं करूंगी। ये करो बप्पी। हो गया हो गया। और
जीत जाती है सोना। देखिए जितने कैलोरीज आपने गवाए, आई डिजर्व दिस, उसकी भरपाई करती हूं मैं। थैंक यू, प्लीज एंजॉय पिंटोला। आई विल वेरी मच एंजॉय दिस। ये जो सुलूक आपने मेरे साथ किया है आज, ये दिस मेक्स अप फॉर इट ऑल। बट ऐसे ही नहीं, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाई हूं, मैं आपको देना चाहती हूं। दो मुझे आप ये रख दीजिए साइड पे। पहली गेस्ट है जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। रोना आ गया मुझे। ये यहाँ। ओह लवली, अभी इसको एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज लवली लवली लवली। ओह माय गॉड, सो इजी। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आई हैड अ ब्लास्ट एक्चुअली, इन स्पाइट ऑफ द बर्पीज। Hi guys, hope you're enjoying my show and do remember to comment on this episode. And if you never want to miss an update, do subscribe to Filmy Mirchi and hit the bell icon. Aur haan, ye show jo hai, wo radio par bhi aata hai on these frequencies. And if you wish to enhance the shape of you, be sure to download the Simple Soulful app by Shilpa Shetty from the download link in the description below. It's available on Android and iOS. तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, adios.